Sponsored by Shri Nataraj Oils. Pure Edible Oils. जनता सेना पार्षद पर बलात्कार का आरोप, पार्षद ने मामले को बताया हनी ट्रैप, पुलिस कर रही जांच। उदयपुर जिले के कानूर नगर पालिका वार्ड नंबर 16 के जनता सेना पार्षद पर एक युवती ने बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती ने गुरुवार को उदयपुर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कानूर नगर पालिका के पार्षद ने उसके साथ बलात्कार कर धोखाधड़ी की है। पीड़िता ने बताया कि वार्ड पार्षद प्रकाश लखारा ने गलत हरकत को अंजाम दिया और धमकियां देने लगा, जिसके चलते युवती ने परेशान होकर उदयपुर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के सामने उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में जब प्रकाश लखारा से बातचीत की तो उसने बताया कि उन पर लगे सभी आरोप निराधार है। जनता सेना पार्षद प्रकाश ने इस मामले को हनी ट्रैप मामला एवं चुनाव स्टंट बताया। युवती पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में वो 2 माह पूर्व SP को बताकर आए थे कि जब ये पार्षद बन जनप्रतिनिधि बन गया तो उसके बाद महिला द्वारा पैसों की डिमांड बढ़ने लगी। जब ये मामला वायरल हुआ तो पार्षद प्रकाश लखारा की पत्नी पूर्णिमा ने पुलिस थाने कानोड में पेश होकर युवती के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पूर्णिमा ने बताया, उक्त युवती मेरे पति को काफी समय से बदनाम कर और झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसा कर धमकी देकर रुपए ऐंठ रही है। अभी तक मेरे पति से उक्त युवती जेवर और लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। उस महिला ने मेरे घर आकर उदयपुर में एक मकान और 25 लाख की मांग की है। मकान और रुपए नहीं देने पर युवती झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर चली गई। उक्त घटना के बाद मेरे पति काफी डर गए हैं। उक्त घटना का मामला कानूर थाने में दर्ज होकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नवभारत समाचार कानूर उदयपुर से अभिषेक घीक की रिपोर्ट। राजनीति द्वेषता एवं हनी ट्रैप के उद्देश्य से मुझे फंसाने की कोशिश की गई। पूर्व में भी कई मर्तबा मुझसे पैसे ऐंठ चुकी है, इसके मेरे पास सबूत हैं, तथा कई अन्य व्यक्तियों को भी फंसा चुकी है, इसके भी मेरे पास सबूत हैं। मैं पुलिस के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं, तथा इस प्रकार के झूठे केस इस महिला द्वारा मुझ पर लगाए गए हैं, ये सब झूठ हैं और मैं सच की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। और अभी क्या है, राजनीति स्टैंड चल रहा है और राजनीति के षड्यंत्र के हिसाब से मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं एकदम निर्दोष हूं और मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूं। आदमी को फंसा रही है, तो इसको मेरा पैसा दिख रहा है, मेरी प्रॉपर्टी दिख रही है, ये बहुत ख़राब औरत है। पूरे मोहल्ले में पूछ लो, आप सबको पूछ सकते हो, जो बोलेगा वो ऐसे ही बोलेगा, सारा मोहल्ला जान रहा है। इसके घर पे एक आदमी आता है, एक जाता है। इसको पैसा चाहिए, कुल मिला के इसको पैसा चाहिए, इसको सिर्फ वो पैसे ही चाहिए। उस इंसान को इसने पूरी तरह टॉर्चर कर रखा है और मेंटली टॉर्चर, पूरा मेंटल टॉर्चर कर रखा है। मेरे को न्याय चाहिए, इनको न्याय चाहिए। इनके पूरे फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, उस इंसान को पूरी तरह ये खोखला करना चाहती है। बस उसको पैसा मिला और बात खत्म, फिर दूसरा मर्द ढूंढ लेगी वो। तो उसके बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी है, उसके 2-4 आदमी है रिकॉर्डिंग, और यूट्यूब के जरिए हमको ब्लैकमेल करना चाहते हैं और मारने की धमकी दे रही है वो। और वो खुद उसके पति को छोड़ के दूसरे पति के पास जाती है, लेके उसके 3 बच्चे बच्ची है, उसकी बहुत बड़ी लड़की है, शादी करने वाला एक लड़की है उसकी 20 साल की, तो भी मेरे पति को टॉर्चर कर रही है और मेरे को भी मारने की धमकी दे रही। तेरी पत्नी को मार दूंगी, तेरी पत्नी को हटाओ, मेरे को रख। कौन है वो, शादी करके आएगी मेरे घर पे? मेरे को न्याय दिलाओ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरा आदमी गलत नहीं है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, हमारा पूरा परिवार, वो पूरे तरह से टॉर्चर करके हम सबको खोखला करना चाहते हैं, हमारा पैसा हड़पना चाहते हैं। बस उसको पैसे चाहिए, पैसे दिए और सिर्फ उस दिन के लिए, वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाएगी। उसको पैसा चाहिए, कुल मिला के पैसा चाहिए, और पूरा मोहल्ला उसने खराब करके आदमी को, अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह सब उसको वो दिख रही है, बस उसके नजर में वही आ रहा है और कुछ नहीं। बदनाम हो रहा। कब से धमकी दे, बदनाम करूंगी, तो उसने कह ही दिया, हम बदनामी से ले रहे थे। वीडियो वायरल करके लोगों को दिखाना चाह रही कि उसके साथ में जो भी हुआ है गलत हुआ है, पर लेकिन वो जो इंसान पे हमारे ऊपर जो गलत इंजाम लगा रही, जो भी कर रही वो सब गलत कर रही है। पूरे मोहल्ले में पूछ सकते हो आप, हमारे पूरे मोहल्ले में सबको पूछ सकते हो क्या कह रही, क्या हम झूठ बोल रहे हो? सही बात है, ये गलत चलन औरत है और इसको बदनाम कर रही है, मौका ढूंढा है उसने बस।
के सामने ही रहती है, पता है कि उन भैया की स्थिति अच्छी है, पहले तो अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे थे, पता है कि इनके पास बहुत पैसे है तो वो गलत तरीके से फंसा कर उनसे पैसे इतना जाती है। बस बहुत खराब औरत है, बस उसे तो बस पैसों से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, पैसे दिए बात खत्म, और यही डील करना चाहती है बस, और कुछ नहीं डील चाहिए। इसीलिए परिवार में टॉर्चर कर रही है वो औरत। बच्चेलन है, उसके घर पे दिन में 4-5 लोग आते हैं, ठीक है सर, और इसको कुछ बहला फुसला के कुछ वाउचर करके तेज बोलो तेज और बोलो। हाँ ठीक है, पैसा इटवाई, हाँ पैसा इटने के लिए ये रवैया अपनाया है उसने कि कहाँ से पैसे खरीदे। उसके पिताजी 2 साल हो गए उससे बिल्कुल देश में नहीं आते हैं, वो गुजरात रहते हैं, उसकी उनकी इस नियत के कारण उसके पिताजी ने बिल्कुल अलग कर दिया। पिताजी अलग रहती है, उसकी घरवाली अलग रहती है, वो उस पिताजी भी परेशान है उससे, ये लोग उसकी माता और दोनों एक है, वो सपोर्ट माँ सपोर्ट कर रही है, पैसे है नहीं है क्या करें, किससे एंटे हैं। पिताजी 2 साल हो गए वो घर पे नहीं आ रहे, बीमार पड़े, ये अपना कहना है उसको न्याय दिलाओ। और अपने तो यही